नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। एक बार फिर हम आपको रहस्य के उस संसार में ले चलेंगे जिसके बारे में आपने अब तक सिर्फ सुना होगा, टीवी पर आज पहली बार देखेंगे। और इस बार का रहस्य जुड़ा है शिरडी के साईं से। आज हम शिरडी के साईं के कई अनसुने सच आपके सामने रखेंगे, जिसकी सच्चाई हम नहीं खुद साईं के वंशज होने का दावा करने वाले लोग बताएंगे। और इस रहस्य की तलाश में हम आपको दो राज्यों और 6 जिलों में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में शिरडी से। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं और मेरे कैमरामैन ने दो राज्यों के 6 जिलों में करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय किया। पाथरी में बाबा का जन्म हुआ था। अब इनका असली नाम हरिभाव था। हमें वो बिल्डिंग का जो है पता चल गया, साथ ही उनके घर का भी पता चल गया है। कबीर के बाद हिंदुस्तानी तहजीब में कोई शख्सियत है जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर का दावा है, तो वो हैं शिरडी के साईं बाबा। हमने साईं की नगरी शिरडी से इसकी तलाश शुरू की है, जो साईं की कर्मभूमि भी जानी जाती है। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। वहाँ हमारी मुलाकात हुई साईं धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी रमेश जोशी से। रमेश जोशी का दावा है कि साईं बाबा का बचपन का नाम हरि भाव था। वो शिरडी से 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में पैदा हुए थे। पाथरी में बाबा का जन्म हुआ था। अब इनका असली नाम हरि भाव था, तो हम खुद हमें जो खबर मिली उसको वेरीफाई करने के लिए, परखने के लिए हम स्वयं पाथरी गांव में गए जहां पे श्री साईं बाबा का जन्म हुआ था। और पाथरी गांव में हमें ये पता चला कि ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे और इनका वंश का सरनेम भुसारी था, और इनके जो कुल देवता है वो हनुमान जी है, और इनका वंश निजामाबाद, हैदराबाद और औरंगाबाद में है। ये जानकारी हमको मिली पाथरी में। और उसके बाद हमें हैदराबाद का पता मिला, जो रघुनाथ जी भुसारी के सुपुत्र है, जिनका नाम है दिवाकर भुसारी, जो असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में। तो हैदराबाद हमने कांटेक्ट किया और वहाँ से हमको पता चला कि ये साईं बाबा का असली वंश है और इनके वारसदार है। और उसके बाद हम तह तक गए, तो हैदराबाद, निजामाबाद, औरंगाबाद पूरी जांच पड़ताल की, तब हमें पता चला कि वाकई में ये लोग बाबा के वंशज हैं। ये दावा किया गया कि पाथरी में जिस मकान में साईं बाबा का जन्म हुआ वो आज भी मौजूद है। साईं बाबा का जन्म जिस मकान में हुआ था वो मकान आज भी मौजूद है। उस मकान का जुना जो फोटोज थे वो भी आज मौजूद है। वो मकान का नंबर 481 है
और वो मकान भूसौरी फैमिली के पोजिशन में था। ये सब हमने ढूंढ निकाला। बाबा का जन्म हुआ था जिस मकान में, उसका रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड हमने खोजा। रमेश जोशी से मिली जानकारी के बाद हम साई के जन्म स्थान की तलाश करने के लिए पाथरी की ओर निकल गए। इस वक्त हम पाथरी में हैं। इस बार हम साईं बाबा के वंशजों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए हमारा पहला पड़ाव पाथरी है, क्योंकि भूसारी परिवार पाथरी से ताल्लुक रखता था। ये वजह है कि हम पाथरी से शुरुआत कर रहे हैं। साईं बाबा भूसारी परिवार में जन्म लिए थे, जो किताबों के आधार पर हमें जानकारी मिली और कुछ विद्वानों से बातचीत के बाद, इसलिए हम पाथरी से अपने तलाश की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो भूसारी परिवार था उनके वंशज आज भी हैं, और अगर हैं तो कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। शिरडी में रमेश जोशी ने रघुनाथ भूसारी के जिस सेल डीड का जिक्र किया था वो हमने खुद देखा। ₹90 के स्टैंप पेपर पर 1978 में साईं बाबा के वंशज बताए जा रहे रघुनाथ भूसारी ने श्री साई स्मारक ट्रस्ट को ₹3,000 में बेचा था। ये बाबा का जन्मस्थान जो है उसकी पूरी खोज पूरी जानकारी खेर साहब ने की है। वो पीरियड में हमारे पिताजी दिनकर राव चौधरी जी और वो यहाँ के रहवासी थी, तो उनके साथ में लेके खेर साहब ने ये पूरी जानकारी ली है। पूरे गांव में घूम के जो पुराने लोग है उनसे बातचीत करके उन्होंने ये तय किया है कि वह ये भूसारी जो कुटुम्ब है उनके इसमें बाबा का जन्म हुआ है। और जब तहसील कार्यालय और नगर परिषद में उन्होंने जानकारी ली, वो रिकॉर्ड चेक किए, उसके बाद में उनको ये पता चला कि ये भूसारी कुटुंब के नाम पे ये जगह है। और बाकी पूरी खोज करके ये तय हुआ कि ये बाबा का जन्म स्थान है और यहाँ का बाबा का जन्म हुआ है। और उसके बाद में खेर साहब ने और हमारे पिताजी ने ये जो जगह है वो भूसारी रघुनाथ भूसारी उनसे ये परचेस करके लिए और ट्रस्ट के नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन करवा के लिया। श्री साई स्मारक समिति के अध्यक्ष अतुल चौधरी जिस वीबी खेर की बात कर रहे हैं, आज उनकी उम्र 92 साल है। खेर ने अपनी किताब ए यूनिक सेंट साई बाबा और शिरडी के साई बनने की पूरी कहानी प्रामाणिकता से लिखने का दावा किया है। पाथरी गांव में हमें पता लगा कि साई बाबा के एक वंशज संजय भूसारी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही रहते हैं। साई के कुछ और निशान तलाशने हम संजय भूसारी से मिलने निकल पड़े। शिरडी के साई के निशान ढूंढते हुए हम अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में थे। साई के वंशज संजय भूसारी की तलाश हमें औरंगाबाद सिटी की जसवंत बिल्डिंग तक ले आई। हम औरंगाबाद जिले में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर संजय भूसारी का घर हमने पता किया है। हमें वो बिल्डिंग का जो है पता चल गया है, साथ ही उनके घर का भी पता चल गया है। इसी इमारत के दूसरी मंजिल पर संजय भूसारी रहते हैं, जसवंत नाम की ये बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में हमने जब यहां पे पता किया आसपास के लोगों से, तो भूसारी परिवार यहां रहता है इसके बारे में जानकारी मिली। नमस्कार, कैसे हैं आप? संजय जी हैं? संजय संजय नमस्कार जी। अश्विनी पांडे हूँ मैं। अच्छा, आपसे बातचीत हुई थी, हम जी न्यूज से साईं बाबा के वंशज हैं, ये जानकारी है हमें, बातचीत कर सकते हैं।
संजय भुसारी और उनका पूरा कुनबा औरंगाबाद में रहता है। हमें सबसे मुलाकात का मौका हासिल हुआ। संजय भुसारी ने भी दावा किया कि शिरडी के साईनाथ परभड़ी के पाथरी गांव में ही पैदा हुए थे। देखिए, मैं बहुत छोटा था, करीबन एक 9-10 साल का हूँ था तभी। 1972 या 73 की बात है कि नवशक्ति पेपर में एक बहुत बड़ा लेख आया था और उस लेख का हेडिंग था, साई बाबा भुसारी परिवार से वास्ता रखते हैं, बाबा भुसारी परिवार के हैं। तभी पढ़ा था, तब घर में भी इस चीज़ की चर्चा चल रही थी। और उसके बाद करीबन 40 साल के बाद इस चीज़ को जब देखा गया कि बाबा का जो पूरा रिसर्च है, 37 साल तक विश्वास बाला साहेब खेर जी ने किया, साक्षात बाबा ने अनुभूति दी, उनको दृष्टांत दिया, उनको साक्षात्कार दे के, उनको आशीर्वाद दे के बाबा ने उनका सफ़र शिरडी से लेकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से औरंगाबाद, धूपखेड़ा और धूपखेड़ा से लेकर पाथरी तक पहुंचाया। कई ऐसे पाथरी के मुसलमान बुजुर्ग थे जिनकी उम्र 90-95 साल की थी और उन्होंने भी बाबा का ये जन्मस्थली का प्रमाण दिया था कि यही एक घर है बम्मन का जहां पे साई बाबा पैदा हुए थे। लेकिन साई बाबा जो है, बाल्यावस्था में ही साई बाबा एक सूफी फकीर के साथ वहां से आगे चल पड़े, जो सेलू से होते हुए औरंगाबाद आए और औरंगाबाद से चांद भाई के साथ शिरडी में गए। ये बाबा का जो है सफर है। संजय भुसारी का दावा है कि रघुनाथ भुसारी आगे की पढ़ाई के लिए हैदराबाद गए थे और इसीलिए पाथरी के मकान को बेचा गया था। साई की पूरी वंशावली उनके जुबान पर है। बाबा का जो नाम है वो हरिभव भुसारी है। बाबा के पिताजी का नाम परशुराम भुसारी है और बाबा के माताजी का नाम जो है अनुसया परशुराम भुसारी है। खुद हरिभव बाबा, साई बाबा, अंबादास और बलवंत, यहाँ से रघुपति का वंश आगे चला। महारुद्र के जो बेटे हैं रघुनाथ जी है, जो आखिरी पाथरी में रह चुके और आज जहाँ मंदिर और बाबा का घर स्थित है वो जगह जो है साई स्मारक समिति को रघुपति रम भुसारी ने दिया था, यानी रघुनाथ महारुद्र भुसारी ने दिया था। रघुनाथ भुसारी को दो बेटे हैं, जो दिवाकर और शशिकांत, जो हैदराबाद और निजामबाद में स्थित है, और उनको एक बेटी है जो नागपुर में स्थित है। दूसरे जो थे परशुराम बापू, उनको भाऊ वासुदेव रघुनाथ राव भुसारी बोल के जो थे, उनके बेटे जो थे प्रभाकर राव और मानिक राव भुसारी। प्रभाकर राव भुसारी का मैं एक बेटा हूँ, मेरे बड़े भाई है प्रशांत भुसारी, मुकुंद भुसारी और मेरी बड़ी बहन है जो लता भुसारी, आज के नाम से लता पाठक बोल के है। उसके बाद मानिक राव भुसारी को चार बेटियां हैं, उसमें अनीता, सुनीता, सीमा और दया, ये उनकी चार बेटियां। ये इस तरह से ये वंशज आगे चला है। संजय भुसारी कहते हैं कि साईं बाबा के वंशज होने का दावा साबित करने के लिए वो डीएनए टेस्ट कराने को तैयार है। संजय भुसारी ने दावा किया कि साईं के भतीजे और उनके दादा परशुराम भुसारी भी साईं से प्रभावित होकर संत बन गए थे और उन्होंने बीड जिले के मंजरथ गांव में समाधि ले ली थी। मंजरथ गांव में साई के वंशज परशुराम भुसारी की समाधि की तलाश हमें एक 90 साल के बुजुर्ग रंगा गुरु जोशी के घर तक ले आई। रंगा गुरु जोशी की स्मृतियां जरूर बूढ़ी हो गई है, लेकिन शिरडी के साईनाथ के भतीजे परशुराम भुसारी का जिक्र आते ही बीता वक्त उनके जहन में इस कदर उमड़ आता है जैसे ये अभी कल की ही बात हो। रंगा गुरु जोशी ने बताया कि साई के भतीजे परशुराम को पासी में गोदावरी नदी में जल समाधि दी गई थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि वो कहाँ से आए थे इसके बारे में उस समय ने जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में जब इन्होंने छानबीन की तो पता चला कि वो पाथरी से आए हुए थे, भुसारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि उनका जो नाम है वो जो है इन्हें पता नहीं था, क्योंकि वो संत थे, इन्होंने गाँव के किसी भी व्यक्ति ने उनका नाम नहीं पूछा। उनकी समाधि जो है यहाँ से थोड़े ही दूर पर जो है गोदावरी नदी के किनारे जो है बनाई गई है। रंगा गुरु जोशी ने साई के भतीजे परशुराम भुसारी के बारे में जो जानकारियां दी थी वो किसी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन साई के परिवार की तहकीकात
हमें मंजरत गांव के पास गोदावरी नदी के तट तक ले आई। परशुराम भोसारी का जब उन्होंने देह त्याग किया तो उन्हें इसी गोदावरी नदी के किनारे जो है जल समाधि दी गई। और आखिरी बात जब उन्हें बैठाया गया था, कहते हैं ये जो पत्थर है इसे समाधि स्थल कहते हैं, जिस पत्थर पर उन्हें आखिरी बार बैठाया गया था समाधि से पहले, वो ये पत्थर है और लोग जो है पूजा भी करते हैं इस पत्थर की। बीड जिले के मंजरत गांव में शिरडी के साईं के भतीजे परशुराम की जिंदगी का पन्ना अब हमारे सामने पलट चुका था, लेकिन हमारी दिलचस्पी रघुनाथ भोसारी के परिवार तक पहुंचना था, जिन्होंने परभड़ी के पाथरी के उस मकान को साईं स्मारक ट्रस्ट को सौंपा था जिसमें साईं का जन्म हुआ था। औरंगाबाद के संजय भोसारी से मुलाकात में हमें पहले ही मालूम चल चुका था कि रघुनाथ भोसारी का परिवार अब हैदराबाद और निजामाबाद में रहता है। बीड के मंजरत से हैदराबाद की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। रास्ते में ही निजामाबाद पड़ता है जो हैदराबाद से तकरीबन 175 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमारा पहला पड़ाव बना निजामाबाद। निजामाबाद में रघुनाथ भुसारी के बेटे शशिकांत भुसारी का घर है। शशिकांत भुसारी के घर पर हमारी मुलाकात उनकी पत्नी और बेटी से हुई। आपको ये कब पता चला कि आप जो है साईं बाबा के वंशज हैं, इसके बारे में पहले जानकारी दीजिए। जैसे मेरी शादी हुई 74 में, उसके बाद हमारे ससुर जी बोलते थे कि अपने घर में ऐसे ऐसे संत हो गए सो है करके, लेकिन पक्का ऐसा उन्होंने नाम नहीं बोलते थे, वो नाम बाद में मालूम हुआ। क्या बताया नाम उन्होंने? हरिभाऊ, वही साईं बाबा है करके बोले। साईं के वंशज शशिकांत भुसारी का परिवार किसी भी आम भारतीय के परिवार जैसा है। साईं के वंशज होने की चमक तो इस परिवार के लोगों के चेहरे पर है, लेकिन उसको लेकर कोई दिखावा या आडंबर नहीं। जब हम शशिकांत भुसारी के घर पर बैठे तो वो हैदराबाद में अपने भाई दिवाकर भुसारी के घर पर गए हुए थे, लिहाजा हमने दोनों भाइयों से मिलने के लिए हैदराबाद जाने का फैसला किया। हम यानी कि जो हम लगातार खोज कर रहे थे, हैदराबाद पहुंचने के बाद हमें कामयाबी जरूर मिली है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, नाथ उत्सव अपार्टमेंट, इसी के पांचवी मंजिल पर जो है वो सारी परिवार रहता है। हम चल के उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परिवार के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं और चलते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। अब हम हैदराबाद में साईं के भतीजे रघुनाथ भुसारी के बड़े बेटे दिवाकर भुसारी के घर पर पहुंच चुके थे। जब हम वहां पहुंचे तब वहां दिवाकर भुसारी का पूरा परिवार और उनके छोटे भाई शशिकांत भुसारी मौजूद थे। हैदराबाद के भुसारी परिवार का दावा है कि उनके पूर्वजों ने उन्हें साईं के साथ अपने रिश्तों की जानकारी दी है। मेरे पिताजी यही कहते थे कि उनके माँ ने, उनके दादी ने ये कहा था कि साईं बाबा जो है हमारे फैमिली के हैं, ऐसा मेरे पिताजी की उनकी दादी बोलती थी। तो वो उन्होंने जब हम बैठे रहते थे तो उन्होंने वही हमसे कहा बार बार। किसी किताब या कहीं ऐसे जिक्र है इस बारे में? जी, किसी किताब या किसी ग्रंथ में इस तरह का जिक्र है? वो अब हम तो, क्योंकि ये तो है हमारे पिताजी ने जो कहा है, उनके दादी ने, वही तो हम आपको बता रहे हैं। ये सब चीज़ जो है मतलब सबको मालूम होगी कि हमारा परिवार जो है वो साईं बाबा के जो है से संबंध रखता है, ये तो सच्चाई है और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब शिरडी के साईं की निजी जिंदगी की तलाश पूरी हो चुकी थी। जी न्यूज उनके वंशजों तक पहुंचने के लिए मुंबई से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुका था।
साईं कौन थे, साईं कहां से ताल्लुक रखते थे, साईं कहां से आए थे, साईं हिंदू थे या साईं मुसलमान थे, साईं के वंशज कौन है, इन सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं और मेरे कैमरामैन ने दो राज्यों के 6 जिलों में करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दरमियान हम कई साईं भक्तों से मिले और इन्हीं साईं भक्तों की मदद से हम साईं वंशजों तक पहुंचे। हमने दर्जन भर साईं वंशजों से भी बात की और जब हमने उनसे पूछा कि आखिरकार साईं का सच क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम खुद हैं साईं का सच और हमारे सामने खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साईं के हम जीते जागते वंशज हैं और जरूरत पड़ी तो हम अपना DNA टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार हैं।